खबर यह है कि लाहौर की आबादी बढ़ गई लेकिन पुलिस अहलकारों की तादाद में इजाफा ना हो सका। 22 साल बाद 84 थानों में आबादी के लिहाज से कमी बेशी करने का फैसला, छोटे इलाकों वाले थानों को खत्म करने की तजवीज़ भी सामने आई है। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा मुजाहिद शेख से। जी मुजाहिद, इस फैसले के हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में तकरीबन 22 साल पहले जो आबादी थी उसके एतबार से जो लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन है वहां पर नफरी उस हिसाब से तैनात की गई है। जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में आबादी बढ़ती गई लेकिन वहां पर थानों में पुलिस अहलकारों की तादाद में और नफरी में इजाफा नहीं किया जाता रहा, तो जो नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया जाता है कि नई तब्दीली आने वाली है, तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए लाहौर पुलिस ने भी इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और जो 22 साल पहले आबादी थी उसके पेश नजर अब तमाम थानों की आबादी के एतबार से कुछ थानों को भी महदूद करने के यानी के बंद करने की तजवीज जो है वो लाई गई है, और उसके साथ साथ आबादी के एतबार से नई नफरी और नए अहलकारों को भर्ती करने और उनको तैनात करने के मामले पर भी अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। सीसी को लाहौर बी ए नासिर ने इसकी खसूसी तौर पर इजाजत दी है और इस पर लाहौर पुलिस जो है मुकम्मल वर्किंग कर रही है। उसके बाद हुकूमत पंजाब से इस बात का मुतालबा किया जाएगा कि लाहौर की आबादी चूंकि बहुत बढ़ चुकी है तो पुलिस एहलकारों को क्राइम कंट्रोल करने, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भी एहलकारों की तादाद में इजाफा करना पड़ेगा। जी ठीक है, शुक्रिया चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख।